हेलो एवरीवन, वेल्कम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे, देखो हमारे पास जो और बेसिकली अभी हमें तीन सर्किट और पढ़ने हैं, ठीक है। एक हमारा एक एसी सर्किट है जिसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात करेंगे। एक एसी सर्किट हमारी होगी जिसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक और सर्किट होगा जिसमें हम तीनों की बात करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ओके। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर की, ठीक है, और कैपेसिटर और इंडक्टर की। अब जब हम बात करेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर की, तो उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा, एक ऑसिलेशन करके एक हमारा टर्म आएगा, ठीक है, एक हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी ना। तो उस टॉपिक को देखो हमें बड़े ध्यान से समझना है। ओवरऑल मतलब कहने का सीन क्या है कि ये जो आपका वीडियो है, ठीक है, तो इसमें हमें पता चलेगा LC ऑसिलेशन के बारे में, जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम अपने AC सर्किट से, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, और हमारे उस सर्किट में क्या लगा हो, एक कैपेसिटर लगा हो, ठीक है, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, या ऐसे कह लो कि रजिस्टर और कैपेसिटर, ओके। ना तो हमने कहा सर हमारे पास एक नेक्स्ट हमारी जो AC सर्किट है, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एसी सर्किट है वो कैसी है, एसी सर्किट विद रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ओके। हमें इसके बारे में समझना है, ओके। और ये आपस में कैसे सीरीज में, बेसिकली हम सीरीज ही यहां पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम यहां पर आपके जो सिलेबस में है वो बेसिकली सीरीज ही है, ठीक है, आपको पैरेलल वाला जो है कॉम्बिनेशन वो नहीं पढ़ना है फिलहाल, इस अगर हम इस सर्किट की बात करें तो, और किसी में नहीं, ओके। तो मानते हैं सेम वही चीज हम मानना पड़ेगा, क्या हमने माना कि चलो मेरे पास जो है एक ऐसी सर्किट है जिसमें क्या लगा हो, जिसमें एक रजिस्टर लगा हो, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हो, और उस रजिस्टर की एक रजिस्टेंस होगी, उस कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होगी, इसको हम सी बोलते थे, सारी चीजें हम लोग ने देख चुकी है। तो हम एक सर्किट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा है रजिस्टर और ये हमारा है एक कैपेसिटर, ओके। और इसको हमने क्या किया, हमने किसी इसको एक एसी सोर्स से, ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया है इस सर्किट को। अच्छा, मान लिया कि एट इंस्टेंस, है ना, हमारी जो वोल्टेज होगी इस रजिस्टर में वो कितनी आई होगी, VR, जो कि हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं, ठीक है, VR होगी। और इस कैपेसिटर में हमारी जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, वो होगी VC। ये हम एट इंस्टेंस किसी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब हम फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो यही हमारा VR कितना हो जाएगा, VR V0R में हो जाएगा। हमने बताया था कि जब भी हम फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो फेजर डायग्राम में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या फिर IRMS को या फिर VRMS को रिप्रेजेंट करते हैं। दो बातें याद रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर ये VR, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो फेजर डायग्राम में हम करंट की मैक्सिमम और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या करंट की RMS या वोल्टेज की IRMS वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर अभी जो है वो मान लो VR है और इसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी क्या है, VC है, ओके। तो अब इस AC सोर्स का क्या होगा, कोई ना कोई एक वोल्टेज होगा, तो हम इस AC सोर्स के वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, E = E0 साइन ओमेगा टी, ये मानते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर हमारी जो VR होगी वो कितनी होगी, वो होगी IR अक्रॉस दिस रजिस्टर, ठीक है, और हमारी जो VC होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, IXC अक्रॉस दिस कैपेसिटर। बट अगर हम बात करें फेज अपने डायग्राम की, है ना, तो हमने कहा सर फॉर फेजर के लिए देखो हम क्या लेंगे, फेजर के लिए जो है ना हम अब VR ना लेकर के क्या लेंगे हम यहाँ पे फॉर फेजर, हमने कहा फेजर के लिए हम क्या लेंगे। अच्छा, साथ साथ हम ये भी करते चलते हैं कि फेजर के लिए देखो, अब आपने कहा सर फेजर जब हम इसका बनाते थे, याद करो जो आपके पास केवल एक ऐसी सर्किट होती थी जिसमें आपके पास केवल एक रजिस्टर होता था, तो उसके इसमें करंट और हमारी जो वोल्टेज है वो दोनों कैसी होती थी, सेम फेज में होती थी। करंट और वोल्टेज दोनों कैसी होती थी, सेम फेज में होती थी, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप आई नॉट और यहाँ पे वी नॉट आर भी कर सकते हो, है ना, और लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बुक वाले वैसे VR ही ले लेते हैं, बट तो उनका भी मतलब यही होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर वो RMS वैल्यू को ले रहे हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, फिर याद करो कि जो आपके पास केवल एक कैपेसिटर होता था और उस कैपेसिटर में
आपकी जो वोल्टेज होती थी वो करंट से क्या करती थी, लैग करती थी। तो हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाते थे, याद आया, ये हमारी शो होता था, ये हमारा शो होता था वी नॉट सी, ठीक है, और ये हमारा शो होता था क्या, आई नॉट, ओके, और ये हमारी 90 डिग्री लैग करती थी, याद आया ना, कुछ ऐसा ही होगा। तो हमने कहा सर फॉर फेजर, ओके, फॉर फेजर डायग्राम, तो हमारा जो रजिस्टर होगा, ओके, रेजिस्टेंस, ठीक है, देखो, तो सॉरी फॉर इन रजिस्टर, ओके, इन रजिस्टर जो वी आर होगा क्या होगा, वी आर इन फेज विथ आई, मीन्स रजिस्टर में हमारी जो वोल्टेज होगी है ना अक्रॉस वी आर, ध्यान से मेरी बात को सुनो, वर्ड्स को सुनो, ठीक है, जो वोल्टेज होगी अक्रॉस वी आर और जो करंट होगी, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होंगी, इन फेज, दैट इज सेम फेज में होंगी, आप कह सकते हो दैट इज इन सेम फेज में होंगी। अच्छा, तो अगर सेम फेज में होंगी तो हम इसके लिए अगर हम फेजर डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वी नॉट आर, ओके, इज इक्वल टू आई नॉट आर, ये होगा, ओके, है ना। अच्छा, सिमिलरली हमने कहा फॉर कैपेसिटर, कोई एक तरीका, कोई एक अपना जो है पैटर्न बना लो, ठीक है, सारे के सारे ऐसे तो हम लोग कर रहे हैं। फॉर कैपेसिटर, तो हमने कहा सर कैपेसिटर के लिए हमारी जो वोल्टेज होगी इन वी सी, है ना, दैट इज वी सी, वोल्टेज इन कैपेसिटर क्या करेगी, लैग करेगी, है ना, वी सी दैट मीन्स वोल्टेज इन कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करेंट, लैग्स बिहाइंड करेंट, ठीक है, कितने डिग्री, बाई पाई बाई टू, बाई 90 डिग्री कह लो या पाई बाई टू रेडियन कह लो। अच्छा, तो हम इस केस में क्या कहेंगे सर, हम इस केस में ये कहेंगे क्या कि हमारी जो वी नॉट सी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आई नॉट एक्स सी के, वेयर आपको एक्स सी का मतलब पता है 1/ωc होता है। चलो, तो अब अगर हम इसका एक फेजर डायग्राम बना ले, बड़े ही आराम से बना सकते हैं भाई, कुछ नहीं, सिंपल बन गया। हमने कहा कि हमने पहले अपने करंट को रिप्रेजेंट किया आई नॉट, ठीक है, अब देखो करंट को हमने रिप्रेजेंट तो किया। अच्छा, अब इस रजिस्टर के लिए हमारी जो वोल्टेज होगी है ना वो क्या होगी, वो करंट के साथ सेम फेज में होगी, दैट मीन्स वी आर, या वी नॉट आर ले लेते हैं, वी नॉट आर जो वोल्टेज होगी है ना रजिस्टर के लिए वो करंट के साथ क्या होगी, सेम फेज में होगी, बट जो हमारी वोल्टेज होगी, ठीक है, इन कैपेसिटर, वो हमारी क्या करेगी, करंट के साथ 90 डिग्री का लैग करेगी, दैट मीन्स ये हमारा जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, V0C, ओके, V0C, ठीक है। तो ये जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा फेजर डायग्राम। अब मेरी बात समझो, अब करंट हमारी इस तरफ है, ठीक है ना, करंट जो है वो वोल्टेज के साथ रजिस्टर वाले वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, बट जो करंट है वो कैपेसिटर वाले वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के साथ जो है वो एंगल बना रहा है। तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो एक रिजल्टेंट तो होगा, है ना, ये जो है इसको अपने साथ रखना चाहता है, ठीक है, और देखो इसका मतलब है कि इनका एक रिजल्टेंट होगा, तो जिस तरीके से हमने इसके पिछले वाले में हमने एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया था, तो वैसे ही इसका भी एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, और इसके रिजल्ट, अब ये जो रिजल्टेंट होगा वो इस करंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, फाई, है ना, मतलब हमने मान लिया कि कोई एक एंगल बनाया जो कि फाई, मतलब फाई फेज में है, यानी कि अब देखो, अब जो करंट है ना वो हमारी वोल्टेज के साथ, मतलब कौन सी वाली वोल्टेज के साथ, जो देखो ऐसा समझो, हमने कहा कि इन दोनों वोल्टेज का, ठीक है, एक हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकला जिसको हमने कह दिया ई नॉट, या हम जिसको इसको ई आर एम एस भी बोल सकते हैं फॉर्मूले में, अगर ई आर एम एस अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई शॉक वाली बात नहीं है, ठीक है, हम इसमें ई आर एम एस या ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं। तो हमने कहा कि अब हमारी जो क्या है, अब हमारी देखो, अब हमारी जो करंट है ना वो हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज से, ठीक है, वो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर अब नहीं है, वो कितने एंगल पर है, अब वो फाई एंगल पर है, ठीक है, दैट मीन्स अब उसका जो फेज एंगल है वो कितना है, वो अब फाई है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं क्या भाई, अपना हम जो है वेक्टर रूल अप्लाई करते हैं, तो वेक्टर रूल अप्लाई करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा,
तो हमने कहा इसका अगर हम रिजल्टेंट ले, दैट मीन्स अगर हम ये ई नॉट लेते हैं, तो देखो हमें ई नॉट देखो क्या मिलेगा। सो ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट आर स्क्वायर, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। अब वी नॉट देखो आर की वैल्यू हमने मानी है क्या, आई नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, आई नॉट स्क्वायर और एक्स सी स्क्वायर। यहाँ से आई नॉट स्क्वायर हो गया बाहर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस आई नॉट को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो एज वी नो हमें पता है कि ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, जेड, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे जो जेड है वो हमें पता है क्या है, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। देखो इम्पीडेंस का मतलब क्या है, इम्पीडेंस जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, बट अगर केवल सर्किट में केवल अगर आर है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको केवल कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर सर्किट में अगर मान लो केवल एल है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। और अगर सर्किट में अगर सी है तो उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। लेकिन अगर सर्किट में एल और आर हो गया, या एल और सी हो गया, या एल सी आर हो गया, तो इस केस में हम बोलेंगे क्या, इम्पीडेंस बोलेंगे। क्लियर है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह। मतलब इसकी वजह से हमारी जो करंट है ना, उसके फ्लो पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो, ये चीज है इम्पीडेंस का मतलब। तो जेड हमारी यहां पर क्या है, इम्पीडेंस है। देखो अगर हम बात करें यहां से, देखो अगर हम बात करते हैं कि सर इसका हमारा ये जो हमने कहा सर ये जो हमारी जो करंट है वो हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ फेज मतलब फाई एंगल पर है। अगर हम इस फाई को निकालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सेम वही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो टैन फाई इज इक्वल टू तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो इसको हमने अगर फाई माना है तो ये हमारा क्या हो गया, दैट मीन्स ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर है देखो वी नॉट सी अपॉन बेस देखो कितना है, वी नॉट आर। ठीक है, V नॉट C की वैल्यू रखो तो क्या रखते हो, I नॉट R अपॉन I नॉट XC, I नॉट से I नॉट कैंसिल, दैट मीन्स R अपॉन XC। या ये भी आप कर सकते हो क्या, tan phi इज इक्वल टू R की जगह R रख दो, और एक मिनट गड़बड़ कर दिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हमें बेस करना था, जस्ट उल्टा हम लोगों ने कर दिया, सॉरी एक मिनट भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना ना, दैट मीन्स हमारा ये परपेंडिकुलर है वी नॉट सी, ओके, अपॉन बेस हमारा कितना है, वी नॉट आर इज इक्वल टू एक्स आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। ओके, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल तो क्या बचा, एक्स सी अपॉन आर। ओके, तो आर को हम नीचे ही छोड़ देते हैं, और देखो एक्स सी को कह सकते हैं वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये हमारा टैन फाइव का जो है, दैट मीन्स हमारे फेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था एसी सर्किट विद रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके, या फिर एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसमें हमने ये बातें करी। सिंपल है, ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। ओके, नाउ बात करते हैं एसी सर्किट विद कैपेसिटर और इंडक्टर एंड इंडक्टर। ओके, नाउ हेडिंग लगा लो। ओके भैया, आपने हेडिंग लगा ली, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं एसी सर्किट विद इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हो और एक कैपेसिटर लगा हो। तो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, इंडक्टेंस क्रिएट होगा, और कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस आएगा। तो हम इस सर्किट की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि चलो भाई हमारे पास एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये जो है ये किसी एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। इतनी बातें आप लिख लो कि जैसा कि हम पिछले वाले टॉपिक में लिखते थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं, हमने कहा सर हमारे पास ये कोई एक इंडक्टर है, कुछ इस तरीके से बना लो भाई इंडक्टर, ठीक है, और हमारे पास ये है एक कैपेसिटर, ये आपस में कनेक्टेड है सीरीज में किसी एक एसी सोर्स से, ये हमारी एसी सोर्स है, ठीक है। अब देखो,
अब इंडक्टर में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो होगी वी एल एट इंस्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वी सी, ये होगी। अच्छा अब आप याद करो कि जब आपके पास इंडक्टर होता था तो इंडक्टर के केस में आपकी जो करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन होता था, जब हम फेजर डायग्राम की बात करते थे तो हम कहते थे सर हमारा जो वोल्टेज है वो लैग करता था, मतलब अगर करंट अगर ऐसे है, आई नॉट अगर ये है तो वी एल, वी नॉट एल ऐसे होगा। इन केस ऑफ इंडक्टर में हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करती थी, इंडक्टर में हमारी जो वोल्टेज है वो लीड करती थी, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट एल। ओके नाउ अगर हम बात करें अपने कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में हमारी वोल्टेज लैग करती थी, ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी वी नॉट सी को और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट। ओके ये बातें हैं। अब देखो तो मान लिया जाए कि अब ये हमारे जो है मतलब किसी एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस दे आर कनेक्टेड इन एसी सोर्स तो उस सोर्स की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। चलो अच्छा हमने कहा सर हम निकाल लेते हैं क्या हमारी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यानी कि जो वोल्टेज है अक्रॉस इस इंडक्टर, ठीक है, वो कितनी है, हमने कहा सर पीडी अक्रॉस अक्रॉस इंडक्टर कितनी होगी, हमने कहा सर वीएल है, वीएल इज इक्वल टू देखो कितना है आई एक्सएल है। अभी हम ये केवल इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम फेजर डायग्राम की नहीं बात कर रहे, बट हम बात करेंगे फेज की भी, ठीक है। फिर हमने कहा सर पीडी अक्रॉस कैपेसिटर दैट मीन्स वी सी है ना इज इक्वल टू आई एक्स सी। नाउ अब हमने कहा सर हमारी जो इंडक्टर में करंट है वो, देखो बात ध्यान समझना, इंडक्टर में जो करंट, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, या इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रही है, भाई कुछ भी बोलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा तो हमने कहा क्या कि भाई हमारी जो वोल्टेज है ना अक्रॉस इंडक्टर वो क्या कर रही है, करंट से लीड कर रही है। सो लिख लेते हैं इस बात को, हमने कहा सर फॉर एल दैट मीन्स इंडक्टर इंडक्टेंस के लिए हमारी जो पीडी होगी अक्रॉस अक्रॉस एल विल लीड बाय विल लीड बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से क्या करेगी करंट के थ्रू वो क्या करेगी, लीड करेगी। तो अगर लीड करेगी तो अगर हम बात कर रहे हैं फेजर डायग्राम की, दैट मीन्स हमने कहा कि सर उस केस में हमारा जो वी नॉट एल हमें मिलेगा इज इक्वल टू होगा आई नॉट एक्सएल के, एंड फॉर हमने कहा कि सी पी डी अक्रॉस सी, ठीक है ना, विल पोटेंशियल जो हमारी डिफरेंस दैट मीन्स जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स हमारी जो वोल्टेज है will lag by current by 90 degree, okay 90 degree से वो क्या करेगा, lag करेगा। so इस केस में हमारा जो v not क्या होगा c होगा, वो कितना हो जाएगा i not xc, ये होगा i not xc, इनके ज्यादा ही चल रहा है क्या, एक मिनट, ओके ठीक है। तो देखो देखो हमने ये कहा कि अब अगर ऐसा है भाई ये लीड कर रहा है ये लैग कर रहा है, इसका मतलब देखो पता है क्या लग रहा है, यहां से आप इस फिगर से भी देखो कि हमारी जो वोल्टेज है ना, और जो मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस जो वीएल है वोल्टेज अक्रॉस जो वीसी है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना, वो दूसरे एक दूसरे के जस्ट क्या अपोजिट फेज में है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका एक फेज डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई हमारी जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर वो करंट के साथ 90 डिग्री लीड कर रही है, वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर वो करंट के साथ 90 डिग्री लैग कर रही है। चलो तो हमने कहा सर पहले हम करंट बना लेते हैं, ये हमारी करंट है, ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हमने यहां पर रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया है। अब बात करो अपने इंडक्टर की, तो इंडक्टर देखो क्या है, इस करंट के साथ 90 डिग्री मतलब करंट इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो इस करंट के साथ 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है,
90 डिग्री वो लीड कर रहा है। सिमिलरली जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर वो इस करंट के साथ 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट सी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट एल। ओके अब देखो, अब हमने कहा कि अब ऐसा तो काम नहीं चलेगा, इनका कोई ना कोई एक रिजल्टेंट होगा। कहने का सीन क्या है कि रिजल्टेंट कहने का मतलब देखो, या तो हमारी जो है वोल्टेज अक्रॉस जो है हमारी अक्रॉस इंडक्टर वो या तो ग्रेटर होगी एज कंपेरिजन टू वोल्टेज अक्रॉस बीसी, या फिर ये ग्रेटर होगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो मान लो एट इंस्टेंस बेसिकली यहां से तीन कंडीशन राइजेज होंगी। कितनी कंडीशन होंगी? तीन कंडीशन राइजेज होंगी। पहला केस और दूसरा केस, ऐसा कि आपको पता है कि कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि हमारी जो वोल्टेज है दोनों के अक्रॉस वो मे बी सेम हो जाए जब ट्रांसफर हो रहा होगा चार्ज का, है ना। जब एक ऐसा भी केस आया होगा कि जो वोल्टेज है वो दोनों के अक्रॉस क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है ना। आई बस में तो ये हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बाद में, फिलहाल अभी हम यहाँ पर आते हैं। तो हमने कहा सर ठीक है, हम एक ऐसा केस मान लेते हैं। तो देखो रिजल्टेंट मान लो अगर ये बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट देखो किसकी तरफ मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ मिलेगा। मैं नहीं समझी, हमने कहा भाई एक तुम्हारा मित्र है जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक तुम्हारा मित्र है जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं, मान लो अगर इसका फोर्स ज्यादा हो गया तो ये जो है ये लेकर किधर भाग जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये इधर ही तो भागेगा आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ अगर ऐसा होता कि एक मित्र तुम्हारा इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता, एक तुम्हारा इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होता, फिर इसका रिजल्टेंट कुछ और हमें ऐसे मिलता, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना। तो हमने कहा कि सर हमारी जो फेज है किसकी किसकी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो हमें देखो, हमें इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, हमें इनका एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। तो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज मान लो कि अगर ये बड़ा है तो इस तरफ मिलेगा, और ये होगा कितना? तो हमने कहा कि ये हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, यही तो मिलेगा हमें रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। सो हमने कहा क्या यार ये भी पॉसिबिलिटी है कि इधर की तरफ मिल जाए, समझ रहे हो ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि केवल इधर की तरफ ही मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात को आप। अच्छा फिर हमने कहा कि फाइनली हमारा जो अब हमारी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, बात समझ रहा, या तो हमारी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इस करंट के साथ 90 डिग्री लीड करेगी, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट के साथ 90 डिग्री लीड करेगी, या ऐसे समझ लो कि जो फेज एंगल है इनके बीच, है ना, वो अब 90 डिग्री, या तो देखो प्लस का 90 डिग्री हो सकता है, या तो अगर हम इधर से चले तो हम या तो कहेंगे फिर माइनस का 90 डिग्री हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। फिलहाल हम ये वाला केस लेकर के चले। तो हमने कहा सर जो रिजल्टेंट इनका होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी सर्किट, ओके, तो देखो कितना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एल। अच्छा अब यहां पे हम माइनस ना लेकर के हम ये वाला सिंबल ले लें, ये सिंबल का मतलब जानते हो, ठीक है, वी नॉट सी मतलब या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। भाई देखो रिजल्टेंट यही तो मिलेगा, आरी भाषण में मित्र वाला बात याद आया ना, दो मित्र हैं किधर की तरफ खींच रहे हैं, किधर की तरफ खींच रहे, इसका ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, रिजल्टेंट के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे ना आपस में एक दूसरे को जिधर की तरफ ज्यादा है। तो हमने कहा चलो ये वाला सिर्फ सिंबल है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या कि मतलब सिमिलर, मतलब हम किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके सो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ई नॉट, देखो ई नॉट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आई नॉट एक्सएल और आई नॉट एक्ससी, यहां से आई नॉट कॉमन हो गया और आई नॉट को कॉमन लेकर के हमने इसके अपॉन में भेज दिया, तो देखो कितना हो गया एक्सएल और एक्ससी, ओके एक्सएल माइनस एक्ससी, दैट मीन्स अब ये आई नॉट अपॉन जेड, सॉरी ई नॉट अपॉन आई नॉट का मतलब क्या हो गया जेड, और जेड हमारी क्या हो गई इम्पीडेंस। ओके तो क्या मिलेगा एक्सएल और माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल, तो ये हो गया क्या जेड की वैल्यू। ओके अब यहां से देखो हम तीन केसेस की बात कर लेते हैं। ओके देखो अगर हमने कहा कि क्या हो अगर हमारा हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, हमने कहा सर कि हमारा एक्सएल अगर ग्रेटर होगा एक्ससी से, वैसी बात है जो कि हम देख रहे हैं, है ना। तो हमने कहा कि सर हमारी जो करंट है एक्सएल अगर हमारा क्या है ग्रेटर है एक्ससी से, तो हमने कहा सर हमारी जो आई है वो क्या करेगी, हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या करेगी, आई जो हमारी है ना वो रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या करेगी लैग करेगी, ठीक है,
एक तो होगा ओके हाँ ठीक है। देखो हमने ये वाला केस लिया ना, हमने कहा सर एक्सेल क्या है जो हमारा है वो क्या है ग्रेटर है एक्स से। ओके ठीक है, ये वाली हमने केस ली है। तो हमने कहा सर आई हमारी जो है वो क्या करेगी, हमारी लैग करेगी, आई लैग बिहाइंड 90 डिग्री ठीक है बाई वोल्टेज, बाई रिजल्टेंट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? रिजल्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात, रिजल्टेंट। ओके रिजल्टेंट वोल्टेज ठीक है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज से क्या करेगी वो लैग करेगी। ओके नाउ अगर हमने कहा सर इफ दूसरी कंडीशन है कि एक्स एल इज लेस देन हो गया, एक्स एल इज लेस देन हो गया एक्सी से, एक्स एल इज लेस देन हो गया एक्सी से, तो क्या होगा सर इस केस में, हमारी जो आई है वो क्या करेगी, लीड कर जाएगी। ऑब्वियसली बात है, देखो एक्स एल अगर हमारा ग्रेटर हो गया तो हमारा रिजल्टेंट इधर की तरफ मिलेगा, तो आई हमारी क्या करेगी, आई लीड करेगी। ओके 90 डिग्री बाई रिजल्टेंट वोल्टेज लीड कर जाएगी। अच्छा एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है देखो ध्यान समझना, एक और कंडीशन ने कहा कि सर क्या हो ऐसी एक कंडीशन आ जाए कि जिसमें हमारी जो एक्स एल है वो एक्सी के इक्वल हो जाए ठीक है। अच्छा तो अगर एक्स एल अगर एक्सी के अगर इक्वल हो गया तो देखो हमें यहाँ से जेड क्या मिलेगा, जीरो, दैट इज कोई इम्पिडेंस नहीं। तो समझ के बात, मतलब कोई इम्पिडेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं। अच्छा इसका मतलब है कि इस केस में देखो हमने कहा कि अगर हम यहां से देखो, हमने कहा सर इस केस में एक्सएल इज इक्वल अगर एक्सी होता है तो जेड इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जीरो। और आप भी थोड़ी देर पहले आप अभी जो है जेड इज इक्वल टू आपने क्या कहा, जेड इज इक्वल टू आपने कहा बेसिकली हम जेड इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, ई ई नॉट अपॉन आई नॉट ये बोलते हैं ना। तो यहां से अगर आप आई की अगर वैल्यू निकालो, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड, दैट मीन्स ई नॉट अपॉन जीरो, और जीरो का मतलब अपॉन में जीरो का मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या भाई, इनफाइनाइट का मतलब है कि मैक्सिमम करंट, यानी कि इस केस में जब हमारी एक्सेल जो है समहाउ एक्सेल जो है वो एक्सी की क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो इस केस में हमें जो करंट मिलेगी वो मैक्सिमम करंट मिलेगी। और ये जो कंडीशन है ना हमारे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है ना। तो हमने कहा दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल, तो हम याद रखना इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब कितने बच्चों को दूसरा रेजोनेंस का मतलब ही नहीं पता होगा। देखो रेजोनेंस का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है यार। देखो रेजोनेंस का अगर हम इस टर्म, अगर हम इस इलेक्ट्रिकल टर्म की बात ना करें, एक नॉर्मल अगर रेजोनेंस की बात करें, तो नॉर्मल रेजोनेंस का देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है झूले में झूल रहा है ठीक है, और जब वो पीछे की तरफ आ रहा होगा तो आप क्या करो उसी टाइम उसको, जिस टाइम वो पीछे की तरफ आ रहा है ठीक है, ऐसे समझो, एक मिनट मेरी बात समझो। देखो हमने कहा मान लो कोई एक बच्चा जो है वो झूले से झूल रहा है, तो उसकी अपनी अलग क्या है, उसकी अपनी अलग एक एक हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी है ठीक है। अब मान लो क्या होगा कि जब वो पीछे की तरफ आ रहा झूल रहा होगा, अब मान लो जब वो पीछे की तरफ आ रहा होगा तो आपने क्या किया, आपने पीछे की तरफ पकड़ करके उसको फिर से आगे की तरफ कर दिया, तो दैट इज आपने उसकी फ्रिक्वेंसी को इनक्रीज कर दिया ठीक है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। आपने रेजोनेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे वो आपने देखा होगा कि जब आप जो सोल्जर जो मार्च करते हैं ये वो सारी चीजें ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। फिलहाल अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे अगले वाले टॉपिक में। चलो तो हमने कहा इसका हम जो है अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है तो इसकी एक फ्रिक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी। अब सर्किट की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि सर्किट हमारा जो है झूमने लगेगा ऐसे ऐसे करके, नहीं सर्किट नहीं झूमेगा। सर्किट देखो सिंपल सी बात है, हमने कहा सर एसी करंट फ्लो हो रही है तो उस एसी करंट की या उस एसी वोल्टेज की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, याद करो अपनी एक अलग क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने कहा रेजोनेंस क्रिएट हो गया, दैट मीन्स अब उसकी जो एम्पलीट्यूड थी, अभी मान लो एम्पलीट्यूड इतनी बड़ी थी, अब मान लो इतनी बड़ी हो गई, समझ गया। तो दैट इज हमारा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है ना। सर्किट नहीं झूमेगा, सर्किट के अंदर का जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात याद रखनी है ठीक है। तो अब क्या होगी, बस समझ रहा, हमने कहा सर अब रेजोनेंस है तो रेजोनेंस के थ्रू क्या होगी, उस सर्किट की कुछ ना कुछ क्या होगी, एक फ्रिक्वेंसी होगी, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा ही आसान है, इसको हम मिटा देते हैं ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। देखो वर्ड्स पे देखो ध्यान देना ना, अभी हम ये सब वर्ड जो है बार बार अभी हम लोग यहाँ से यूज करने वाले हैं, रेजोनेंस 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 है ना, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दोगे आप।
तो हमने कहा कि इन कंडीशन ऑफ, हमने कहा कि इस रेजोनेंस के कंडीशन में, हमने कहा सर एक्सएल जो है वो एक्सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अच्छा एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा की देखो वैल्यू क्या होती है, टू पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू वन अपॉन, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टू पाई एफ इंटू सी। सबको इधर भेज दिया, या केवल एफ को इधर भेज दो, तो देखो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई, टू पाई इंटू टू पाई कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एल सी, या फिर एफ इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो वन अपॉन टू पाई है कि नहीं, वन अपॉन टू पाई, अंडर रूट से ये बच जाएगा ना जाने से, ठीक है, ये जेल में जाने से बच गया ना, और अंडर रूट ये चला जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये इसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग कहते हैं क्या, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना कि हमारी ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो केवल और केवल जब ऐसा सर्किट हो जिसमें इंडक्टर, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो, उसी में पॉसिबल है। इसके पहले आपने जितने भी सर्किट पढ़े उसमें किसी में भी जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करी थी, है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना जो वोल्टेज, इसमें जो वोल्टेज का है, जो चार्ज का है ना, वो उधर से उधर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो दैट इज देखो ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, हमारी फिर डैम्ड अनडैम्ड फिर वो हम बात की बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखो क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसकी, कौन सी किस में हमने निकाली, पा लिया एलसी सर्किट के, इसमें हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। ओके इतना समझ में आई ना, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, ठीक है। अब यहां से हम जो है नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा अपना लेक्चर की बात करेंगे एलसीआर सर्किट की। उस सर्किट में हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है एलसीआर का, जो भी हमारा एक हमें उसमें बात करनी है, क्यू फैक्टर की बात करनी है, ठीक है, उसमें हमें रेजोनेंस की बात करनी है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं हम उस वाले टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाते चलो, पढ़ते रहो, रिविज़न करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।